नोबेल पुरस्कार को दुनिया का सर्वोच्च एवं प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है, जो कि दुनिया की प्रगति में सहयोग एवं शांति के लिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। क्या आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार क्या है, नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च एवं सम्मानीय पुरस्कार माना जाता है, जो कि नोबेल फाउंडेशन के द्वारा महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन देश के स्टॉकहोल्म शहर में हुआ था, जो कि बड़े होकर एक केमिस्ट, इंजीनियर एवं वैज्ञानिक बने। उन्होंने अपने जीवन काल में 355 आविष्कार किए थे, जिस कारण उन्होंने बहुत अधिक कामयाबी एवं धन कमाया था। उनके द्वारा किया गया डायनामिट के आविष्कार बहुत अधिक प्रसिद्ध रहा, जिस कारण उन्होंने विश्व प्रसिद्ध एवं बहुत सारा पैसा कमाया। अल्फ्रेड नोबेल के गुजरते जीवन में एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने अपने भाई को खो दिया। भाई के देहांत के बाद नोबेल ने सोचा कि उन्होंने पैसा तो बहुत कमा लिया, अब उन्हें समाज के भले के लिए कुछ करना चाहिए। जब 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हुआ, तो उन्होंने अपने देहांत से पहले एक वसीयत तैयार करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था वह दुनिया को कुछ देकर जाना चाहते हैं। उस वसीयत के मुताबिक अपनी लगभग 94% संपत्ति एक फाउंडेशन के तहत जमा कराने की बात कही और कहा, मेरी ये संपत्ति समाज के भले एवं अच्छे कार्य के इस्तेमाल होने चाहिए। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के कुछ साल बाद 29 जून 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई। नोबेल पुरस्कार समाज के कल्याण एवं अच्छे कार्यों के लिए कई क्षेत्र, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी एवं रसायन में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार के लिए अधिकतम 3 लोगों को किसी 2 अलग अलग कार्य के लिए चुना जाता है। नोबेल पुरस्कार 12 दिसंबर को हर वर्ष स्वीडन एवं नॉर्वे में दिया जाता है। नोबेल विजेता को पुरस्कार के रूप में एक डिप्लोमा, मेडल एवं 7.7 करोड़ रुपये दिए जाते हैं।